भक्ति जब पकती है तो भगवान की कृपा बरसती है, यह बात श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक विवेक शास्त्री ने कही। इंदौर के लोहारपट्टी कल्याण धाम में कथा का आयोजन हंसदास मठ के महामंडलेश्वर रामचरण दास महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। कथावाचक शास्त्री ने कहा कि सुदामा कृष्ण मिलन प्रसंग हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि भक्ति ही सर्वोपरि है। इसके पूर्व श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग में महाराज ने कहा कि भारतीय समाज मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों की बुनियाद पर टिका है। संयोजक पवन शर्मा ने बताया कि कथा के समापन पर पीलिया खाल बड़ा गणपति के पास हंसदास मठ पर प्रमुख संतों और महंतों की उपस्थिति में भगवान रणछोड़, टीकमजी और पंचमुखी चिंताहरण हनुमान का पुष्प बंगला सजाया गया। महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया गया। इंदौर ब्यूरो की रिपोर्ट। शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर पूरे वस्त्र नहीं है, किस गांव से आए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। एक भगवान के कोई मित्र थे, नाम नहीं लिया, सुदामा जी। सुदामा जी का नाम नहीं था, क्या नाम था? श्री सुखदेव जी ले नहीं भूल गए। तो फिर सुदामा जी कहा क्यों? सुदामा का अर्थ होता है कि सुंदर दाम जिसके पास हो। अब ये दाम तो श्री आदि, ये दाम धन पैसे तो सबके पास होते हैं, पर ये हमारे भारत देश में ही चलेंगे। नेपाल की मुद्रा अलग है, भूटान की अलग है, देश विदेश की मुद्रा अलग है, पर भगवान की भक्ति और भगवान के नाम की मुद्रा ये सही दूर चलती है। आप यहाँ हो या यहाँ के बाद जहाँ भी हो, भगवान का नाम तो आपका सहारा बनेगा ही। तो सुदामा नाम इसलिए रखा क्योंकि वो भगवान को अपना मानते थे। कोई भगवान के मित्र थे, कैसे थे वो? वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मणों ब्रह्मविद्वः, भगवान को ब्रह्म को जानने वाले थे और मानने वाले थे। जान तो हम भी जाते हैं, पर मानते कहाँ हैं? मानना ये बहुत कठिन है, पर वो तो जानते भी थे, मानते भी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।